हमको समय नहीं मिलता है घर के काम से, दिन भर घर के काम में अझुराइल रहते हैं। हमको समय नहीं मिलता है कि हम चर्चा में जाएं। गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, साहब आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों, गुरु भाई गुरुबहना के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए बहन लोग, बहुत गुरु में दया है, आप लोग मान जान के देखिए और इसमें सोचना विचारना नहीं है। एक लड़की बेचारी, हम लोग की तो माने छोटी हो चाहे बड़ी हो गुरुबहना कहते हैं, लेकिन वो गुरुबहना ने, छोटी लड़की है, अभी शादी माने नहीं हुआ है, 20 साल का उम्र हो गया है, लेकिन वो बेचारी फ़ोन करके हमको बोली कि दादी, उसमें लिख करके भेजी है कि दादी हम क्या करें, हम शिव को गुरु मान लिए हैं और हमको समय नहीं मिलता है घर के काम से, दिन भर घर के काम में अझुराइल रहते हैं। हमको समय नहीं मिलता है कि हम चर्चा में जाएं। और एक हमारे घर का बगल में मंदिर है, वहाँ चर्चा होइबो करता है तो 7 बजे रात के, तो 7 बजे चर्चा होता है तो हम कैसे जाएं? 7 बजे खाना बनाने वनाने का टाइम हो जाता है, तो हम जाएं तो कैसे जाएं? मेरा मन जो है तड़पते रहता है कि कैसे हम चर्चा में जाएं। अब ये पर बताइए कि हम क्या करें। हमसे वो बेचारी लड़की बोली है कि क्या करें हम, इसमें नहीं हमको समय मिलता है, बाकी शिव सी सहाय, घर के काम से हमको फुर्सत नहीं मिलता है। तब हम कह रहे हैं यही गुरुबहना, मेरा बच्ची हो लेकिन गुरुबहना हो, आपको गुरुबहने कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, मन धीर करो, घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी ना कभी। घर के भी काम करना ज़रूरी है, अगर घर के काम नहीं करोगी, चर्चा में चल जाओगी तो घर के परिवार भी आपको बोलेगा, खिसियाएगा कि लड़की काम नहीं कर रही है, अपना मर्जी के हो गई है, चल जा रही है चर्चा में। तो बाबू बेटा बहुत अच्छा है कि आप तुम घर के काम में लगी हो, घबराना नहीं है, तुम बर्तन मांज रही हो, मांजते मांजते नमः शिवाय कर लो, घर बहार रही हो, घर बहारते बहारते नमः शिवाय कर लो। मान के चलो घर में मोबाइल है, कोई फ़ोन किया, वहीं पर बोल दो कि हाँ मामा, चाहे हाँ चाचा, चाहे हाँ भैया, हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, बड़ी गुरु में दया है। चाहे बाहर भीतर आप कचरा बिकने के लिए जाती होंगी, चाहे बाहर भीतर के लिए जाती होंगी, वो समय कोई भेटा जा रहा है, माई चाची बहन, तो उनसे बोल दीजिए कि हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, बहुत गुरु में दया है। आपका चर्चा भी हो गया, आपका दया भी मांग लिए। आप जब भोर में उठ रही है सूद के, तो उस समय तो मैंने 4 बजे 5 बजे तक काम है, लेकिन थोड़ा सा खातिर विलम्ब दे करके दया मांग लीजिए, थोड़ा सा बढ़ जाइए, जौने विधि हैं वही विधि, अपना बिस्तर पर बढ़ जाइए, प्रणाम कर लीजिए, शिव गुरु के प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरुबहना के प्रणाम कर लीजिए और करके और बढ़ जाइए, अपना ओढ़नी से अंजुरी ढाँक लीजिए, हाथ के अंजुरी बना लीजिए, अंजुरी ढाँक लीजिए, ढाँक के कहिए हे शिव गुरु, हम आपके शिष्या हैं, आप मेरे गुरु हैं, शिव गुरु ऐसा हम पर दया कीजिए कि हमको लालसा है, श्रद्धा है, काम करते हुए भी हम गुरु के चर्चा में जाते, हम पर इतना दया कर दीजिए, हमको ज्ञान बुद्धि दे दीजिए कि हम गुरु के चर्चा कर पाएँ। और हे शिव गुरु, दूसरा दया हम पर कीजिए कि हमारे घर के जो भी रोग दुख बलाएँ हैं दूर कीजिए और घर में सुख शांति दीजिए, हमारा परिवार के सुरक्षित रखिए, यही हमारा आपसे मिनती है, विनती है। कह के बेटा बाबू ये कह दीजिए, कह के और नमः शिवाय के प्रणाम वही बैठल कर दीजिए। आपका चर्चवा से मेन जो है मंत्र यही है कि आप दया मांग लीजिए, चर्चा अपन मोबाइल से कर लीजिए, नमः शिवाय कर लीजिए, यही मेन आपका पूजा है। ये पूजा से बढ़ के कोनो पूजा नहीं है। आप काम करते रहिए, घर में रहिए, कहीं जाना नहीं है, आप गुरु से दया मांगते रहिए, बर्तन मांजते रहिए, घर बहारते रहिए, नमः शिवाय सांस द्वारा करते रहिए कहीं से फ़ोन आया बाहर गए, ये बात बताते जाइए कि हम शिव के गुरु मान लिए, आप लोग भी मान जाइए। इसमें घबराने का क्या बात है, कोई घबराने का बात नहीं है। एक दिन ऐसा महादेव ये बात अगर इतना दिल में अपना बसा लोगी बहन बेटा बाबू बसा लोगी तो तुमको आगे चल के बहुत गुरु महादेव आपको बहुत कुछ ज्ञान देंगे, बहुत सुख देंगे। बहुत गुरु में दया है, गुरु सब मन के बात बूझते हैं, वो हर मन के बात बूझते हैं, हर आदमी इंसान का समझते हैं कि कौन हमारे लिए मर रहा है, कौन काम के लिए मर रहा है, कौन दुगो पैसा के लिए मर रहा है। तुमको ये लग रहा है कि कमवा से बढ़िया है हम चर्चवा में जाते, नहीं ये बात नहीं है। तुम काम करते रहो, अपने महादेव के दिल में बसा लो और वही तुम्हारे साथ देंगे, हर पल पर तुमको साथ देंगे और साथ है। खाली दिल में सोचते रहिए कि महादेव हमारे गुरु हैं, हम महादेव के शिष्या हैं, महादेव हमारे गुरु हैं, अपने शिष्या पर दया जरूर करेंगे। तो बाबू यही कह के आपको समझौता हम दे रहे हैं, समझिए, कलपिए मत, रोइए मत, सब महादेव आपको घर ही में सब व्यवस्था आपका है, आप करते रहिए और गुरु में ध्यान लगेले रहिए और माता पिता परिवार का बात वचन मानते रहिए। यही कह के अपना वाणी हम गुरु के चरण में रख रहे हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहना के फिर से प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।